जी तो जनाब रेडी अब हो चुके हैं, ये देख सकते हैं, ये भी देख लें। ठीक है तो अब दोस्त को कॉल करते हैं, उसको बुलाते हैं तो उसके रिएक्शन देखते हैं क्या कहता है वो। मैं कल मेरे दोस्त के ना दादा को फोन हो गए थे जिसकी वजह से ब्लॉग कंटिन्यू कर सके, लबा गुंडी मगर से फिर। तो अब मैं जा रहा हूँ उनका जनाजा पढ़ने के लिए, तो चले फिर आपसे बाद में मुलाकात होती है, पहले उनका जनाजा पढ़ाएं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय नीडी डोबाडिया। उम्मीद करता हूँ सब है रेडी से होंगे। तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। तो आज आपका भाई प्रैंक करने लगा है, आगे पीछे हमारे साथ प्रैंक होता है, लेकिन आज आपका भाई अपने दोस्त के साथ प्रैंक करने लगा है। तो चले प्रैंक के लिए रेडी होते हैं, तो आपको दिखाते हैं, फिर दोस्त को बुलाते हैं। जी तो जनाब रेडी अब हो चुके हैं, ये देख सकते हैं, ये भी देख लें। ठीक है तो अब दोस्त को कॉल करते हैं, उसको बुलाते हैं तो उसके रिएक्शन देखते हैं क्या कहता है वो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी जनाब तो दोस्त को बता दिया, ठीक है, बताया नहीं कि मुझे चोट वगैरह मतलब के लगी है। ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ उसे कहा कि जल्दी आ जाओ मेरे पास, तो कह रहा मैं 10-15 मिनट तक आ जाता हूँ आपके पास, तो जैसे ही आता है आपको दिखाते हैं। ठीक है, A few moments later. जी तो फाइनली यार दोस्त आ गया। अस्सलामुअलैकुम यार, तो आंदे सीधी राह तो टूटी है। जनाब एक्सीडेंट हो गया जी, वो बाबे वाले ने सुबह बजे हैं गड्डी ची ही है, बुजुर्ग बंदा ही यार, की कहना बुजुर्ग बंदे नु, आगे मोबाइल फाड़ा पी तू व्लॉग बना यार। व्लॉग बना ओ तो सटा लगी है नहीं तो व्लॉग बना दी पे ये भाई, व्लॉग भी तो बनाना कि नहीं दसना भी है भैया नु कि नहीं यार, बाकी यार बहुत बहुत सट लग गई मैं। चलो तरीका की चले यार, थोड़ी देर बात करके आपसे मिलते हैं। A few moments later. भाई इतना इसने का ये कोई तरीका है ना, तो इसने कोई चीज़ पूछा कि भाई कुछ जूस वगैरह पियेंगे, मेडिसिन ली है कि नहीं, तेरे काम में नहीं मेडिसिन लेने ले। यार इसमें मेरा कोई कसूर है? तुम्हारा ही कसूर है, जो भी होता है ना ऐसा ही होता है, तुम्हें ईद पे भी तुमने ऐसे ही किया था जनाब। ना मैंने आपको आगे भी बताया कि बुजुर्ग थे वो बाइक के आगे आगे, इसमें मेरा कसूर तुम्हारा ही है। मेरा क्या कसूर है भाई, तो इसमें वो क्या कहते हैं रोने वाली क्या बात है? मैं नहीं रो रहा। कौन रो रहा? पता नहीं, इधर देखो, इधर तो देखो, अब तो सच बोल दे भोसड़ी के गुजर साहब। हेलो, हाँ रोना मैं नहीं रोता यार, चोट लगने वाली तो लगी है ना, इसमें रोने वाली कोई बात है? बताए मुझे भाई, इधर तो देखे। हाँ रोने वाली क्या बात है? ये भाई रो रहे हैं यार, इसमें रोने वाली कोई बात है ना? तो इसने मेडिसिन का पूछा, मेडिसिन ली है कि नहीं? ना तुम्हारा इलाज है, तुम्हें पूछनी नहीं चाहिए। तो तुम दोस्त कैसे हो? दोस्त कैसे हो? तुम्हें कितनी दफा बोला बाइक आराम से चलाया करो, तुम भी सुनते। फिर बार बार बता रहा हूँ कि बुजुर्ग आदमी थे जो उनसे आगे आगे थे यार। आंखें खोल के चला ना, फिर कुछ भी नहीं होता भैया, आंखें खोल के चला रहा था ना। तो इसने जूस का पूछा कि फ्रेश जूस पियोगे कोई मेडिसिन? कुछ नहीं पूछना चाहिए, तुम्हारा इलाज है। इधर तो देखो, दोस्त कैसे हो तुम फिर मेरे? दोस्त क्या दोस्त, तुम्हारी हरकतें हैं, हरकतें क्या हैं? तुम्हें एक बात सुनते ही नहीं है यार, मैं हजार दफा तुम्हें बोला बाइक आराम से चला, मेरा सर पड़ रहा है, लेकिन इसे अपनी जिद बहस कई पड़ी है, इसमें जिद वाली कोई बात ही नहीं। आपको पता है मेरी क्या कंडीशन है, दिखाया भी आपको यार। तो चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भाई को टाइम देते हैं, भाई का जरा मूड ठीक करते हैं, तो फिर आपसे ना दोबारा मिलते हैं। A few moments later. तो जनाब दोस्त को मैंने रजी कर लिया, ठीक है, उसका मूड ठीक कर दिया, हो गया ना भाई ठीक? ठीक। इधर से देखो,
ठीक है। चलो यार जूस ला के दो। अच्छा जूस वगैरह भी क्या है, आपको आगे भी बताया कि कितना ब्लड निकला मेरा। चले जूस आता है तो आपको भी खाते हैं। मुझे कुछ नहीं बोला जा रहा यार। A few moments later. आप देख सकते हैं जूस ला के दिया जी दोस्त ने। हाय हाय इतना सुकून। बहुत शुक्रिया भाई आपका। पिए चले यार जूस वगैरह पीते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो भाई मेरी ब्रेन की आग दी थी तो चढ़ के खाई पे जाते हैं। अपना जूस इन्हें लिया कोई नहीं गुस्से जी। मैं क्यों नहीं गुस्से जी। चले यार मैं जूस पी लूँ फिर आपसे बात करते हैं जी। तो जनाब जूस वगैरह पी लिया, पता नहीं कि नीयत ना लै के आई, ज़रा मज़ा नहीं आया। कोड़म कोड़ा ठीक है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हो गया लगनी वाली सट लग गई। तू मुंह बना के पै रहा है। सही है शुक्र है सही है। ओदा मुंह क्यों खराब है जी, सट ते लगी है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। चले जनाब पट्टी वगैरह उतार लेते हैं, प्रैंक कितने ठीक होता है। मैं तो आधे साल पहले गया, मैं क्या प्रैंक है। कहता नहीं 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 यार थोड़ा जा कम है, पुराने भी खराब किया है, एवं जान के पुठिया सीधिया गल्ला पे करता है। तो शुक्र अल्लाह का यार फिट फाट आ। कैसा लगा? मैं आने साल पहले गया, मैं क्या प्रैंक करन दे। कैसा लगा प्रैंक? वेर लगे कटूड़ा नहीं जाना। कैसा लगा? हल ठीक है। चले यार पट्टी वगैरह चेंज करते हैं, फ्रेश होते हैं फिर आपसे मिलते हैं। 2000 years later. Assalamualaikum, welcome to my new YouTube audio. उम्मीद करता हूँ सब अरे से होंगे। तो यार नेक्स्ट डे इसलिए है, असल में कल मेरे दोस्त थे ना दादा वो फोत हो गए थे, जिसकी वजह से ब्लॉग कंटिन्यू कर सके लबा उनकी मदद से सुनवाए। तो अब मैं जा रहा हूँ उनका जनाजा पढ़ने के लिए। तो चले फिर आपसे बाद में मुलाकात होती है, पहले उनका जनाजा पढ़ाए। A few moments later. जी तो जनाब जनाजा वगैरह पढ़ रहे हैं ठीक है। तो वैसे उनके जनाज का तो मुझे नीचे मिल रही, लेकिन पूछ पूछ के मैं तो पहुंच गया वहाँ पे। तो चले यार अब ब्लॉग एंड करते हैं, अब मज़ा नहीं आ रहा ब्लॉग बनाने का, तो अच्छा नहीं लगता वैसे भी कंटिन्यू ब्लॉग करने का। तो चले उम्मीद करते हैं आप सबको ये ब्लॉग पसंद आएगा, लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके बताइए किस तरह का लगा ब्लॉग, और कमेंट में के दादा बू के लिए मगफरत की दुआ करना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में होती है मुलाकात, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़।